इस वीडियो में बेटा हम क्लास 10th चैप्टर नंबर 2 के एमसीक्यू करने जा रहे हैं। फर्स्ट एमसीक्यू, इफ़ अल्फ़ा बीटा आर जीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वेयर माइनस फोर एक्स प्लस वन, देन फाइंड वन बाई अल्फ़ा प्लस वन बाई बीटा माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो इस सम को करने के लिए पहला स्टेप अपना क्या होगा, सम ऑफ जीरोज़। सम ऑफ जीरो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल फॉर्मूला माइनस बी अपॉन ए। तो हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके ए बी सी की वैल्यू फाइंड कर लें। स्टैंडर्ड फॉर्म ए एक्स स्क्वेयर बी एक्स प्लस सी। ए कोफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वेयर को आपा क्या बोलते हैं, ए। तो ए हमारा क्या, वन। ए वन कोफिशेंट ऑफ एक्स बी, बी की वैल्यू माइनस फोर एंड सी की वैल्यू, सी मीन्स कॉन्स्टेंट टर्म वन। वैल्यूज पुट करो, बी बी माइनस फोर, ए ए इज़ वन, माइनस माइनस प्लस फोर बाई वन, आंसर क्या आ गया, फोर। सम ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा फोर। सेकेंड स्टेप क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा दोनों का प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या है, सी अपॉन ए। सी की वैल्यू वन, ए इज़ वन, वन बाई वन वन। तो इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए बेटा हम पहले अल्फा प्लस बीटा फाइंड करेंगे और अल्फा इंटू बीटा फाइंड करेंगे। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा फाइंड करने के लिए, जो फाइंड करने के लिए उन्होंने गिवन है, दिया हुआ है, तो पहले आप वो लिख लेंगे, वन बाई अल्फा प्लस वन बाई बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा। इन दोनों का एलसीएम करो, अल्फा इंटू बीटा एलसीएम, अल्फा बीटा, बीटा मल्टीप्लाई बीटा प्लस अल्फा माइनस अल्फा इंटू बीटा। इन दोनों का मैंने एलसीएम से प्लस कर लिया। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बेटा फोर है, फोर बाय अल्फा इंटू बीटा इज़ वन माइनस अल्फा इंटू बीटा इज़ वन। फोर बाय वन इज़ फोर माइनस वन, फोर माइनस वन इज़ थ्री। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ए, ए इज़ थ्री। ओके, सम नंबर टू, इफ अल्फा बीटा आर जीरोज ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस सिक्स एक्स प्लस के, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के इफ गिवन कंडीशन थ्री अल्फा प्लस टू बीटा इक्वल 20। सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा सॉल्यूशन, सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी माइनस सिक्स प्लस ए, ए इज़ वन, कोफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वेयर सिक्स। अल्फा इंटू बीटा फॉर्मूला सी अपॉन ए, सी के के अपॉन वन इक्वल के। तो फर्स्ट स्टेप में हमने ये दोनों फाइंड करने, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। देन देन गिवन कंडीशन थ्री अल्फा प्लस टू बीटा इक्वल 20। इसको थोड़ा चेंज करके लिखेंगे, अल्फा प्लस थ्री अल्फा को मैंने लिख लिया अल्फा प्लस टू अल्फा प्लस टू बीटा इक्वल 20। अल्फा प्लस टेकिंग टू कॉमन, टू अल्फा प्लस बीटा इक्वल 20। अल्फा प्लस टू इंटू अल्फा प्लस बीटा, वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा गिवन है सिक्स, जो हमने पहले फाइंड की थी। ओके, अल्फा प्लस बीटा सिक्स इक्वल 20। अल्फा प्लस सिक्स टू जार ट्वेल्व इक्वल 20। तो वैल्यू ऑफ अल्फा इज 20, ट्रांसपोज माइनस ट्वेल्व इक्वल टू 8। तो अल्फा इज 8, अल्फा इज 8। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा इन दिस कंडीशन, अल्फा प्लस बीटा इक्वल 6। तो वैल्यू ऑफ अल्फा अभी हमने क्या फाइंड किया है, अल्फा 8, 8 प्लस बीटा इक्वल 6। बीटा इज 6 माइनस 8, तो बीटा की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 2।
अभी हमने अल्फा और बीटा दोनों की वैल्यू फाइंड कर लिया है, बट अपना सम क्या है, क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, के की वैल्यू फाइंड करनी है मैंने अल्फा इंटू बीटा। अब अपा इस हम लोग इस कंडीशन को यूज़ कर लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा इक्वल के, अल्फा की वैल्यू हमने क्या फाइंड की है 8 और बीटा क्या फाइंड किया -2 के मल्टीप्लाई -16 के, तो के की वैल्यू क्या आ गया -16, तो राइट आंसर क्या आएगा ए राइट आंसर -16। सम नंबर थर्ड, इफ 10 ऑफ पॉलिनोमियल 2x² - 3x + k इज रेसिप्रोकल टू द अदर देन फाइंड के, के की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सम है। अल्फा प्लस बीटा इसमें से कंडीशन क्या है, 10 ऑफ दिस इज रेसिप्रोकल टू अदर, लेट करेंगे बेटा, लेट वन अदर इज रेसिप्रोकल, एक हमने अल्फा लेट कर लिया, दूसरा उसका रेसिप्रोकल, मान लो आपने एक बीटा लेट कर लिया तो दूसरा क्या होएगा बीटा, तो दूसरा क्या होने वाला उसका रेसिप्रोकल उल्टा 1/बीटा, प्रोडक्ट ऑफ 0 अल्फा इंटू 1/अल्फा इक्वल टू सी अपॉन ए, अल्फा इंटू अल्फा कैंसिल 1 इक्वल टू सी, वैल्यू ऑफ सी इज के एंड ए इज 2, वैल्यू पुट कर दो सी एंड ए की, क्रॉस करेंगे 2 इक्वल टू के, तो के की वैल्यू क्या आ गई 2। सम नंबर 4, द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल x+1 × x² - x - x^4+1 इज, अब कई बच्चे क्या करेंगे इसमें जल्दी जल्दी क्या करेंगे, x को x² से मल्टीप्लाई करके आंसर लिख देंगे 3। जो भी अपना वेरिएबल होगा उसकी हायर डिग्री आप प्लस कर लो, फर्स्ट ब्रैकेट में आप देख सकते हो इसकी पावर कितनी है हायर 1, मैक्सिमम पावर 1 है, यहाँ पर मैक्सिमम पावर 4 है, इन दोनों का प्लस करके 4+1 क्या आएगा 5। ओके, सम नंबर 5, द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैविंग जीरोज आर 1 and -2 इज ए बी सी एंड डी। बेटा जो अपनी एनसीईआरटी बुक में जो सम गिवन है उसमें हमें दिया हुआ सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ओके, सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, बट इस सम में डिफरेंट क्या है उससे कंपेयर करें तो इसमें हमें जीरोज गिवन है जीरोज, तो इसलिए इससे पहले आप सीधा ये फॉर्मूला लगाओ x² - sum of, यहाँ पर होता है सम ऑफ जीरोज, जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ओके, तो अब काफ़ी बच्चे क्या करेंगे सीधा 1 पुट करेंगे और -2 पुट करेंगे, पर उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का सम करना पड़ेगा, सम ऑफ जीरो जीरोज, इसका दोनों का सम करेंगे, सबसे पहले सम करेंगे 1+-2, तो क्या आ गया 1-2 = -1, और दूसरा क्या करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 1 × -2 - 2। अब हम पुट करेंगे इस फॉर्मूले में x² - sum of 0, सम ऑफ जीरो इज -1 × x + product of 0 is -2, -2, राइट आंसर x² - (x - +-2), x² + x - 2, चेक कर लो x² + x - 2, तो राइट आंसर क्या होगा बेटा सी। सम नंबर 6, द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² + 99x + 127 आर, ए बोथ पॉजिटिव, बी बोथ नेगेटिव, 1 पॉजिटिव एंड 1 नेगेटिव, डी नन ऑफ दीज। इसको करने के लिए
बेटा आपने जस्ट इसके साइन देखने हैं, अगर दोनों प्लस है, दोनों प्लस है साइन, तो आपका आंसर क्या आएगा, बोथ नेगेटिव। अगर दोनों साइन पॉजिटिव है तो उसको सॉल्व करने पे उसके जो भी जीरोज आएंगे वो क्या आएंगे, दोनों नेगेटिव। आप एक दो एग्जांपल भी कर सकते हो, करके चेक कर सकते हो। ओके, तो आज जो हमने ये 6 सम किए एक बार दोबारा चेक करें, फाइनल एग्ज़ाम में जाने से पहले इनको ज़रूर करके जाएं बेटा। थैंक यू वेरी मच।